नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी और सच्ची खबरें आपको सबसे पहले मिल सकें। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात करेंगे, कांग्रेस में अभी तक कोई अपोजिशन लीडर तय नहीं हो पाया है, उस पर कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। मुमताज साहब, अपोजिशन में अभी कोई लीडर तय नहीं हो पाया है कि कांग्रेस में अपोजिशन लीडर कौन होगा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल वाकई चौंकाने वाली बात है कि आखिर जब पीर से पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने जा रहा है तो अभी तक कोई कांग्रेस का अपोजिशन लीडर तय नहीं हो पाया है। और इससे मैसेज जो है वो शायद गलत जाता है कि क्या लीडरशिप जो है वो तय नहीं कर पा रही है। जो अपने आप को आला कमान कहती है, क्या वो कोई फैसले पर नहीं पहुंच पा रही, कोई नतीजा नहीं दे पा रही है? तो ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हार जीत होती है, कोई कांग्रेस के लिए नई चीज़ नहीं है। मैंने इससे पहले राहुल गांधी से कहा था जब मेरी मुलाकात हुई थी कि आप 125-30 साल पुरानी पार्टी हैं, आपने अंग्रेज़ों का दौर देखा है, बड़े बड़े नशेब व फराज देखे हैं, आपके लीडरान जो है वो जेलों में रहे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे वो गांधी जी रहे हों और चाहे दूसरे बड़े लीडरान रहे हों, वो सब जेल में रह करके उन्होंने सियासत की है। तो फिर अगर एक दो इलेक्शन में आप हार गए, आपकी शिकस्त हो गई, तो फिर इसमें कौन सी इतनी परेशानी है? फिर कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि ठीक है, उसको इख्तदार नहीं मिला लेकिन उसकी पहले के मुकाबले सीट बढ़ी हैं। राहुल गांधी हारे हैं तो क्या इसमें हैरत की बात है कि इंदिरा गांधी खुद हार गई थी? बड़े बड़े लीडरान जो है वो हारे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को चाहिए कि वो बजाय किसी तजब्जुब का शिकार हुए, उसको चाहिए कि वो मैदान अमल में आए और राहुल गांधी को फैसला लेना चाहिए। प्रियंका गांधी ने बिल्कुल सही बात कही कि राहुल गांधी ये जो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दिया और कोई और सदर बने। देखिए, अगर शरद पवार के साथ, मैंने पहले भी कहा कि अगर NCP का और कांग्रेस का इंजमाम होता है तो ये तो एक अच्छी पहल है, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन है और फिर अपोजिशन लीडर मिल जाएगा, 52 सीट कांग्रेस की और 5 सीट NCP की और 55 सीट अपोजिशन लीडरशिप हासिल करने के लिए चाहिए। तो ये तो अगर मोदी को हमें डिफीट पहले मरहले में देना है और उनसे अपोजिशन लीडर छीनना है तो ये चीज़ करें तो ये ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो राहुल गांधी को मैदान में आना चाहिए। और अगर उनकी नाराज़गी कुछ लीडरान से है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो नाराज़ हैं, नाराज़गी दिखा रहे हैं। और जो जिन लीडरान ने लापरवाही बरती है, और माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस में बड़ी लापरवाहियां हैं, हम भी 2006 से, युसरा साहिबा 2006 से हम कांग्रेस कवर कर रहे हैं, कांग्रेस के दफ्तर जा रहे हैं, 13 साल मुझे हो गया वहाँ रिपोर्टिंग करते हुए कांग्रेस की। मैं भी कांग्रेस को करीब से जान गया हूँ कि कांग्रेस में जो है वो साहिबियत बहुत है, नवाबियत बहुत है। अभी भी आप देख लीजिए तो ऐसा लगेगा, बात करो, ऐसा लगेगा जैसे अभी भी ये मंत्री हैं, इनकी हुकूमत चल रही है। हाँ, अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, मैं नाम नहीं लूँगा कि किस लीडर ने कहा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। ईद मिलन था, जमीयत उलमा हिंद का मौलाना अरशद मदनी ने दावत दी थी। हाँ, तो मैं लिफ्ट पर सवार हुआ, एक कांग्रेसी लीडर लिफ्ट पर सवार हुए तो चले, तो मैंने कहा कि शायद दो पे है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, है तो तीन पे ईद मिलन, कांग्रेसी लीडर है तो तीन पे, लेकिन अगर आप कहें तो मैं दो पे बुला दूं। तो मैंने कहा, सर अब आपकी तो सरकार नहीं, फिर आप दो पे कैसे कर दोगे? तो चुप हो गए। कहने का मतलब ये है कि ये जो नवाबियत है, चूँकि इतने दिन इकतदार में रहे हैं तो अभी वो भूत उतरा नहीं है, तो अब ये भूत अगर उतारने में राहुल गांधी कामयाब होते हैं, और भूत ऐसे उतरेगा कि इनको सबको पैदल कर दिया जाए, और जो काम करने वाले हैं 24 घंटे फुल टाइमर चाहिए इनको, जब तक फुल टाइमर कांग्रेस में काम करने वाले नहीं होंगे कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। मैंने इससे पहले भी, युसरा साहब आपको याद होगा, मैंने एक चीज़ कही थी कि जैसे ही दूसरी मरतबा नरेंद्र मोदी जीते, सेंट्रल हॉल में मीटिंग की और 24 घंटे काम करने वाले चाहिए जो 24 घंटा काम करें, और मैंने जैसे कहा कि
नरेंद्र मोदी को आप देखिए कि दूसरी बार जब जीत करके आए सेंट्रल हॉल में 1.5 घंटे उन्होंने तकरीर की और अपने लोगों को खिताब किया और बताया, ऐसा लग रहा था जैसे ये इलेक्शन में जा रहे हों, इलेक्शन से वापस नहीं आ रहे हैं, जीत करके नहीं आ रहे हैं, नहीं, 1.5 घंटे। और मैं ये दावा कर रहा हूँ कि अगर कांग्रेस जीत करके आती, बाखुदा बता रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से 2 मिनट कोई बोलता। अच्छा, बड़े लोग तो बोल भी देते, छोटे लोग तो और न बोलते, इतना भाव आ जाता। तो आवाम ने उनको जो सबक सिखाया है उससे सबक लेना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ राहुल गांधी की लीडरशिप पर कम से कम मुझे कोई शक नहीं रहा है। अच्छे लीडर हैं, बोलते हैं, मसाइल को उठाया, लेकिन क्या करेंगे राहुल गांधी भाई, रैली तो कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लोगों घर जा सकते हैं, अब क्या वोट दिलाने जाएंगे वो हैं? घर से निकालने किसका काम है कि कांग्रेस को वोट दिया जाए? लेकिन कांग्रेस ही सो रहे होंगे उस दिन, कांग्रेस ही सो रहे होंगे। तो ये जो लाइजनिंग कांग्रेस में ओहदे को लेकर के जो नवाबियत है, ये कांग्रेस को ख़त्म करनी पड़ेगी। और राहुल गांधी अगर नाराज़ हैं और एक्शन ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको ये करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी भी काफ़ी नाराज़ हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जब तक ये तेवर नहीं होंगे तब तक ऐसा कुछ, आप देखिए बहुत जगह मैं देखता हूँ राहुल गांधी का इतना बड़ा फोटो, लोकल लीडर का इतना, भाई क्यों? हाँ भाई, जो तुम्हारा लीडर है वो चेहरा कैसे बनेगा? हाँ, आप उसका इतना बड़ा लगा देते हो टिकली जैसे, दूर से दिखता भी नहीं है, खुद जो है इतना बड़ा लगा, भाई तुम्हारी क्या शिनाख्त है, क्या पहचान है? पार्टी पहले है कि तुम पहले हो? ये सब नज़रिए चेंज करना पड़ेगा और हमें रीजनल पार्टी से सीखना चाहिए, जो रीजनल पार्टीज हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो लीडर नहीं चुन पा रहा है, जो आपने सवाल किया था, मैं थोड़ा से दूसरी तरफ गया, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और राहुल गांधी को चाहिए कि वो आए फ्रंट पे, जो उनको बेहतर लगे उसको लीडर बनाएं। और मैं समझता हूँ कि ये फौरी तौर पर फैसला लेने की ज़रूरत है इस पर। जी मुमताज साहब, आप ही ने ये खबर लिखी है कि मनीष तिवारी होंगे या शशि थरूर होंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने आज इंकलाब में ये खबर लिखी है कि शशि थरूर और मनीष तिवारी दो का नाम चल रहा है। देखिए, इस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम कांग्रेस के सामने ये हुई कि जो नॉर्थ बेल्ट से हैं, जो हिंदी बोलने वाले हैं, ठीक है, उनमें से मसलन पिछली बार मल्लिकार्जुन खड़गे थे लोकसभा में कांग्रेस के लीडर, तो इस बार वो हार गए, दिग्विजय सिंह हार गए और इस किस्म के कबील के दूसरे बड़े लीडर हार गए। तो ऐसे में एक प्रॉब्लम तो हुई, मैं समझता हूँ कि हार गए तो हार गए, जो नए लोग हैं उनको आप मौका दीजिए। तो नए लोगों में दो नाम जो है वो बहुत है। मनीष तिवारी का मैंने इसलिए लिखा, देखिए मनीष तिवारी NSUI के 7 साल प्रेसिडेंट रहे, इसके अलावा यूथ कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट रहे कई साल, फिर वो जब यूथ कांग्रेस से निकले तो नेशनल सेक्रेटरी रहे कांग्रेस के, तो ये रहे, फिर इसके बाद ये मरकजी वजीर रहे, MP रहे और इस बार फिर जीत करके आए। तो इस जो पूरा बैकग्राउंड है मनीष तिवारी का, फिर मनीष तिवारी हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, ये तर्जुमान थे कांग्रेस के और अब भी हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी जानते हैं, पंजाब से जीत करके आए तो जाहिर सी बात है पंजाबी जानते होंगे, और पंजाबी जानते होंगे क्या मतलब है, और ज़बान जानते हो, लेकिन ये तीन जो हैं ज़बानें वो उस पर उबूर है। तो मैं समझता हूँ कि मनीष तिवारी का बड़ा नाम है। शशि थरूर नो डाउट कि वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं, वर्ल्ड फेम पर्सनालिटी हैं, वो इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी उनकी है, हिंदी भी वो अच्छी बोलते हैं। कल एक साहब ने कहा, जब मैंने कहा कि हिंदी कम अच्छी है, कहा नहीं, जो गुजराती हैं उनसे तो हिंदी शशि थरूर की ज़्यादा अच्छी है। अब गुजराती जब मैं कह रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे कि मेरी मुराद क्या है। तो एक चीज़ तो ये, दूसरी ये कि मुझे एक बार याद आ रहा है शशि थरूर की अंग्रेज़ी पर एक कैप्शन चला यूसरा साहिबा, तो उसमें राजनाथ सिंह बैठे हुए, राजनाथ सिंह ये पिछली हुकूमत की बात कर रहा हूँ, होम मिनिस्टर थे, और शशि थरूर जो है कुछ उनसे बात करना चाहते हैं, तो एक नीचे कैप्शन लिखा हुआ था कि ओफ़ो मालूम नहीं शशि थरूर आज इंग्लिश में क्या बोल दे, मैं तो अपनी डिक्शनरी भूल आया आज। तो ये जो है शशि थरूर का अपना एक अपनी पहचान है शशि थरूर की, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, स्पीच बहुत अच्छी देते हैं और वो भी जीत करके आए। तो दूसरा, लेकिन इनके साथ थोड़ी सी मुश्किल ये है कि एक तो ये इधर नॉर्थ के नहीं हैं, दूसरी मुश्किल ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड नहीं है उनके साथ,
लेकिन इसके बावजूद दो नाम हैं, दो में से कौन बनता है ये तो वक्त बताएगा, और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे सोर्सेस थे यूसरा साहब उसकी बुनियाद पर मैंने ये खबर लिखी है। जी मुमताज साहब, राहुल गांधी अपोजिशन लीडर क्यों नहीं बन रहे हैं, आखिर क्यों भाग रहे हैं वो? देखिए राहुल, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि राहुल गांधी अपोजिशन लीडर क्यों नहीं बन रहे हैं, और ये सवाल जो आप कर रहे हैं मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के जितने भी कांग्रेसी हैं वो ये सवाल ज़रूर कर रहे होंगे कि राहुल गांधी आखिर अपोजिशन लीडर क्यों नहीं बन रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि अगर एक पोस्ट है, कहीं लोग ये न कहेंगे ये लोग यहाँ भी खुद बैठ गए, प्रेसिडेंट ऑलरेडी है ही हैं, तो इस तरीके की चीज़ों से शायद बचने के लिए फिर उनको ये लगता होगा कि अगर हम अपोजिशन लीडर बनेंगे तो उसके लिए बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी, फिर अपोजिशन लीडर बनेंगे तो हमें हर वक्त जो है पार्लियामेंट में रहना पड़ेगा, तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल जो काम है वो कैसे होंगे, मसलन हरियाणा में इलेक्शन होना है, महाराष्ट्र में इलेक्शन होना है, झारखंड में इलेक्शन होना है, तो ये तमाम जगहों पर इलेक्शन है। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी भाग नहीं रहे हैं, बल्कि उनको लगता है कि ये जो इलेक्शन आ रहे हैं अगर हम अपोजिशन लीडर बन गए तो जाहिर सी बात है कि फिर हमें उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें और हर वक्त हमें हाउस में रहना पड़ेगा, तो शायद इस वजह से राहुल गांधी बचें, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है, राहुल गांधी अपोजिशन लीडर बन सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये हो कि एनसीपी मिल जाए और शरद पवार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाएं, तो फिर राहुल गांधी आज़ाद हो जाएंगे, तब फिर वो अपोजिशन लीडर बन सकते हैं, तो ये सिचुएशन है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि मैं राहुल गांधी की कभी मुखालफत नहीं करता, और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी में सलाहियत है, और वो किसी वजह से नहीं बल्कि जो मेरी समझ में आई कि इसी वजह से शायद वो अपोजिशन लीडर बनने से बच रहे हो। जी मुमताज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। तो नाज़रीन हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।